रहेगी, आप बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पहले से लंबे समय भाजपा में रहा हूँ और अब मेरे सभी साथी कार्यकर्ता जिले के लोगों का विशेष आग्रह था और मुझे भी महसूस हुआ कि जब सब लोग कह रहे हैं, ज्यादा संख्या में लोग कह रहे हैं साथी लोग, तो मुझे ज्वाइन कर देना चाहिए, तो मैंने दबाव की वजह से, कोई दबाव रहता है लेकिन दबाव की वजह से लगातार जांच चल रही थी और मेरा कोई काम गलत नहीं हो रहा। हमने खुली किताब है, जांच खुलेआम जांच करो, अब भी हमें जांच कोई आपत्ति नहीं, तो इसलिए दबाव की कोई विषय नहीं था, बस अपने मन से ही हमने ली। वो समाजवादी के मेंबर हैं 3-4 लोग, वो करते थे, वो दरअसल एक भाजपा के मेंबर है, उन पर हाथ रख करके कभी अपने आप को भाजपा कहते थे, मूल रूप से समाजवादी के मेंबर है, तो वो अपना उपद्रव फैलाना उनका मुख्य धंधा था, वो उसमें करते थे। मैं समझता हूँ क्या अब भगवान उन्हें सद्बुद्धि देगा, और जांच उन्होंने सही कराई नहीं, उन्हें सब पता लग गया कि कोई गलत काम नहीं है, तो इसलिए संतुष्ट होकर वो घर बैठ जाए, क्योंकि जाँच में कोई कमी नहीं पाएगी। राजनीतिक नाराजगी थी, लगातार मैंने मेहनत की थी और बाहर से आकर के वो लोग टिकट पा गए जिनका पार्टी में कोई योगदान नहीं था, तो लोक दल से आए तुरंत टिकट मिल गया। मेरा 25 साल की 30 साल की कड़ी तपस्या थी, मैंने अस्थि कलश शिला पूजन राम ज्योति के कार्यक्रम, खंड कार्यवाह खंड संचालक रहा, बीजेपी के लंबे दायित्व रहे और काफी दायित्व रहे, पूरे जिले में मैंने भाजपा का मेहनत से काम किया था और भाजपा के रूप में मेरी पहचान होती थी कि मैं मुख्य कार्यकर्ता हूँ। तो ऐसे में जब ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे मुझे नाराज। जो सेकंड लाइन अप है पार्टी की नीति का मामला, ये तो जिन्हें पार्टी चलानी है उन्हें सोचना पड़ेगा, हम तो इतने बड़े नेता नहीं कि हमें पार्टी की नीति तय करें, तो जो पार्टी चला रहे हैं हाँ उनके लिए चिंता का विषय है कि उन्हें चिंता करनी चाहिए। हालांकि मुझे तो 1 साल में 2 टिकट मिले, मैं उस पार्टी में रहूँ कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन उनके लिए जरूर विचारणीय विषय है कि उन्हें विचार करना चाहिए कि कैसे लोग पार्टी में रहे।